देश में हम महिला सम्मान की बात करते हैं, ऐसे वातावरण में सबसे पहली दरकार महिला की ये कि वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर ना हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेवर बिफोर इन इंडियन पॉलिटिक्स हैड अ मेल लीडर स्टूड एट द रैमपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट एंड स्पोकन ऑफ द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडियन वुमन। नो वुमन इन इंडिया in any election had walked up to any politician and asked for a toilet to be built for her. Women, especially from poorer families, thought that this is a way of life. I distinctly remember Viren Singh Ji in the year 2012-13, when there was an outrage in the country about women's security. Research then suggested that of all the sexual assault numbers that came through, 45% of sexual assaults happened on women when they went for open defecation. And I thought to myself, कि वो कैसा इंसान होगा जो एक महिला पर शारीरिक अत्याचार करता है, उसका बलात्कार करता है, जब वो खुले में शौच के लिए जाती है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में राष्ट्र आह्वान किया कि अगर हम महिला का सम्मान करते हैं तो आए कम से कम उसके सम्मान में एक टॉयलेट तो बनाएं। और एक गौरव है मेरा एक हिंदुस्तान की महिला होने के नाते कि 60-65 सालों में जो मेरे राष्ट्र में ना हो सका वो गत 5 से 6 सालों में हुआ और देश में 10 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार एक टॉयलेट मिलकर सरकार ने दिया। ये कहना उचित होगा कि मणिपुर में ग्रामीण अंचल में 2,50,000 से ज्यादा परिवारों को टॉयलेट्स बनाकर दिए गए और अर्बन अंचल में लगभग 40,000 परिवारों को टॉयलेट की व्यवस्था 2014 के बाद की गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, इमेजिन दिस, दैट दीज 3 लाख फैमिलीज इन मणिपुर डिड नॉट हैव द बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी ऑफ अ टॉयलेट बिफोर द ईयर 2014। एंड दिस इज द प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, that when people come together and they choose a leadership that will put India first, that leadership in partnership with the people delivers for the people and tells the world that this is a democracy of the people, by the people and for the people. As the Secretary of Women and Child Development, Government of India said, what is nutrition if not a facet of sanitation? कितने परिवारों में ऐसा होता है कि मां हर बार बच्चे को कहती हाथ धो के खाना खाना, लेकिन पहली बार एक सरकार ने जन आंदोलन बनाया, हर परिवार से कहा कि बच्चा क्यों, बड़ा भी हाथ धोकर खाना खाए, बाहर कचरा ना फेंके। इसका मतलब एक सरकार ने जनता को मात्र वोट बैंक की नजर से नहीं देखा, जनता को अपना परिवार माना और परिवार से कहा कचरा मत फेंको, हाथ धोकर खाना खाओ और टॉयलेट का इस्तेमाल करो। विच मीन्स वी एज अ सिविलाइजेशन हैव नॉट ओनली डेवलप्ड बट सेलिब्रेटेड द आइडिया ऑफ होलिस्टिक हेल्थ फॉर सेंचुरीज। एंड टुडे ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम व्हेन देयर वाज अ प्रेजेंटेशन ऑन आयुष, the intention is to focus on traditional methodologies of holistic care. ऐसा तो नहीं है बिरेन जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूं तभी लाइट उड़ा रहे हैं। जैसा कि
मैंने कहा आवाज बंद करेंगे फिर औरतें बोलेंगी, फिर बंद करेंगे फिर बोलेंगी, तो जो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन अगर पलट कर देखे कि माइक कौन कंट्रोल कर रहा है तो एक पुरुष कर रहा है, औरत नहीं कर रहा. So as I was saying, we have 3,26,000 beneficiaries under Ayushman Bharat. प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना मेडिकल सपोर्ट मिले. मणिपुर में अब तक आपने 38,000 बेनिफिशरीज को 46 करोड़ का बेनिफिट पहुंचाया, उसके लिए आपको अभिनंदन. मणिपुर में आपने, प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ नागरिकों के लिए मुफ्त राशन, जो विश्व में कहीं नहीं हुआ कोविड के दौरान, आपने मणिपुर में 18 लाख से ज्यादा नागरिकों को मुफ्त का ये राशन दिया. जनधन योजना में देश की 22 करोड़ बहनों का बैंक का खाता खुला. मणिपुर में 5,80,000 से ज्यादा खाते खुले. देश में 22 करोड़ औरतों को 30,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने भारत की तिजोरी से सीधा बैंक के खाते में दिलाया. ये सारे विषय इसलिए कह रही हूं क्योंकि पोषण मात्र आंगनवाड़ी से प्रेरित अथवा आंगनवाड़ी तक सीमित नहीं है. एक जन आंदोलन है, एक जन अभियान है. इट हैज अ सोशल, अ मॉरल एंड एन इकोनॉमिक कॉस्ट. अ सोशल कॉस्ट, अ मॉरल कॉस्ट, बिकॉज नो नेशन कैन अलाउ इट्स चिल्ड्रन एंड वुमेन टू विदर अवे. एंड एन इकोनॉमिक कॉस्ट, बिकॉज रिसर्च सजेस्ट्स दैट अ चाइल्ड हु इज मैल नरिश्ड एज दे ग्रो इनटू एडल्टहुड विल अर्न 20% लेस than a child who is nourished. This is a cost we should refuse to bear. This is an abhyan we should endeavor to partner on. And looking at the August gathering here today, I am of the opinion that Suposhit Bharat ke nirman mein Suposhit Manipur ka bhi yogdan rahega. My best wishes to the Anganwadi network, but my salutation to all the COVID warriors of Manipur. We have celebrated Mirabai Chan, we have celebrated athletes, but every day we celebrate the contribution of the COVID warriors who went from house to house to house to save our people, to save Manipur, to save India. Jai Hind. उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि जब हम भारत के नवनिर्माण की बात करते हैं तो उस भारत में कम से कम हर घर में एक नलका तो होना चाहिए जिससे शुद्ध पीने का पानी मिले. माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अवगत कराया और बड़े गर्व से कि आज से लगभग 4.5 साल पहले मणिपुर में मात्र 5.7 परिवारों में ही टैप से ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध था. अब वो नंबर बढ़ के 51% हो गया है. लेकिन संकल्प भारत सरकार का और निश्चित रूप से मणिपुर सरकार का यह है कि जब तक हर परिवार में एक टैप सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं देता तब तक हमारा काम अधूरा है. इस काम को हम मिलके केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरा करेंगे, ये हमारा संकल्प है. देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर.